बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल में ऐसी जबरदस्त बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि किचन में मौजूद सिर्फ चंद ही चीजों से बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये सभी की बहुत ज्यादा फेवरेट होती है, लेकिन इसको तैयार कैसे किया जाता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। आइए देख लेते हैं इसको इजीली कैसे तैयार किया जाता है। इस बिरयानी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा, यहाँ पे हाफ के जी हमने चिकन ले लिया हुआ है। इसको बहुत जबरदस्त सा हमने वॉश कर लिया हुआ है। चिकन को लाएं तो अच्छे से इसको पहले वॉश कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर ये हमारे पास दही है। इस चिकन को हमें करना होगा मैरिनेट। ये बहुत कम टाइम में बिरयानी बनके तैयार होगी। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक मीडियम साइज का टमाटर है हमारे पास, वो हम इसमें बारीक बारीक कट के ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून के लगभग ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं बारीक कट की हुई। अब बारी आ जाती है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। सबसे पहले 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे नमक। 1 टीस्पून ही भर के लाल मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, नो इश्यू। 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून साबुत जीरा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम इसे मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। थोड़ी सी यहाँ पर लाल मिर्चें मुझे कम लगी थी, मैंने और इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे और मैरिनेट करने के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। टाइम ज्यादा है तो ज्यादा देर के लिए रख लीजिएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम गैस पे रखेंगे 1 अदद कढ़ाई। इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 लीटर पानी। साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ये हमारे पास धनिया और पुदीना है। ये हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 2 तेज पत्ते हैं, 1 बादियान का फूल है, छोटी इलायचियां हैं, लौंग है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर अब हम 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे क्योंकि 1 kg हमने राइस ले रखे हैं। साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। पानी में उबाल आने लग चुका हुआ है और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चावल जो कि हमने आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे। चावलों को आप जब भी पकाएं इसको घंटा या आधा घंटा पहले भिगो के रखिएगा, इससे चावल जो है वो बहुत ही खिले खिले से बनते हैं। और अब हमने यहाँ पर इन चावलों को कुक करना है तकरीबन 80% तक, बहुत ज्यादा नहीं हमने इसको गलाना, ठीक है। 20% तक यहाँ पर हम इनको थोड़ा सा कसर रखेंगे। इसमें गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और आप अगर इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो आपके चावल जो हैं वो लंबे लंबे से बनेंगे, मतलब चावलों का जो साइज है वो मीडियम फ्लेम पे ज्यादा होता है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो चावल जो है वो छोटे छोटे सही रहेंगे। ये एक छोटी सी टिप थी जो मैं आपको देना चाहती थी, छोटी छोटी टिप्स को जरूर फॉलो किया करें। अब हम यहाँ पर अपना कोरमा तैयार कर लेते हैं। 1 कढ़ाई मिलेंगे तकरीबन 1/2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के बराबर ये हमारे पास बारीक काटी हुई प्याज है, तकरीबन 1 मीडियम साइज का प्याज था जिसे बहुत बारीक काट लिया है। और इसे यहाँ पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज में आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन सा कलर आने लग चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन और यहाँ पर चिकन की हम पकाई करेंगे जब तक कि ये चिकन जो है जबरदस्त तक गल ना जाए। इसमें हमने दही डाला हुआ था मैरिनेट करते हुए, दही ने अपना काफी ज्यादा पानी छोड़ना है, पानी को हमने अच्छे तरीके से खुश कर लेना है। ये ले जी 8 से 10 मिनट इसे पका लेने के बाद आप देख सकते हैं कोरमा हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। इसमें ये हल्की हल्की सी आपको ग्रेवी नजर आ रही है, आपने इसी तरीके से रहने देनी है, बिल्कुल भी आपने इसको ड्राई नहीं करना है। और अब हम इसकी तहों की तरफ चलते हैं और इसकी खूबसूरत सी जबरदस्त सी तहें लगाते हैं। गैस पे हम बड़ा सा बर्तन रखेंगे और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे ये हल्का हल्का सा कुकिंग ऑयल ताकि जो चावल जो है वो नीचे ना लगे। इसके ऊपर यहाँ पर हम सबसे पहले चावलों की एक तह लगाएंगे। चावलों की तह को लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर कोरमे की तह लगाएंगे। फिर से चावलों की तह लगाएंगे। इसके ऊपर चावलों की तह लग चुकी हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारे पास जर्दा कलर है खूबसूरती के लिए। यहाँ पर इसमें हम पुदीना ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे। सारी चीजें ऐड कर दी हुई हैं। यहाँ पर अब हम इसे कवर करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और इसे 15 मिनट के लिए हम दम पे लगाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं खुशबूदार तह वाली बिरयानी जो है वो बन के हो चुकी हुई है तैयार। ये ईद स्पेशल में आप लोग मेहमानों के सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह तारीफें सुनने को मिलेंगी। जरूर इसे इस ईद पर अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस तह वाली बिरयानी को अपने घर में जरूर ट्राई कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।